आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना टॉपिक सॉल्यूशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बढ़ जाना कि हमारे पास एलिवेशन क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगा। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारा जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए किसके, एटमोस्फेरिक प्रेशर के। कि इतना टेम्परेचर हम लोग दे दें कि हमारा जो वेपर प्रेशर था, वेपर्स की वजह से जो प्रेशर बन रहा था वो किसके इक्वल आ जाए, एटमोस्फेरिक प्रेशर के, तो वो हो जाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो क्या आ जाएगा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो वो टेम्परेचर हमारा कौन सा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समझा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कि जहां पे हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाए, हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने क्या लिया, हमने एक सॉल्वेंट लिया, ठीक है, सॉल्वेंट लिया, कोई भी प्योर सॉल्वेंट, उसके अंदर क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालना स्टार्ट किया। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो हमें पता है जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, हम लास्ट उसमें भी पढ़ा, हमारी जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी कि जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का घट जाता है, लोअर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो सॉल्यूट कवर कर लेता है और जो सॉल्वेंट की वजह से भी वेपर प्रेशर आ रहा था वो कम हो गया। इस चीज को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाता है कि वेपर प्रेशर जो है हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही सॉल्वेंट का जो है बड़ा होता है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज हमने पढ़ी पीछे कि हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है जो बड़ा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन का हमारा घट जाता है किस वजह से, जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला उसकी वजह से। ठीक है, अब वेपर प्रेशर हमारा घट गया, अब क्या है, जैसे कि हम कोई भी टेम्परेचर, वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें टेम्परेचर कम लगेगा। ठीक है, कोई भी प्रेशर अगर हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा है पहले से ही, तो उसको क्या है, हमें अगर पहुंचाना है एटमोस्फेरिक प्रेशर तक तो हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। लेकिन सॉल्यूशन का जो है हमारा पहले ही कम है वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, क्या है, सॉल्यूशन का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही हमारे पास वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो गया तो अब उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने, क्योंकि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हमें वेपर प्रेशर को एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है, तब हमारा जाके सॉल्यूशन या सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, बॉइल होगा। तो अब हमें क्या करना है, या क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से ही कम है, ये कम है तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या पहुंचेगा, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पहुंचेगा। तो अब यहाँ पे जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये चीज तो हमें समझ में आ गई ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका लेस होगा। जिसका क्या है, हमारे पास वेपर प्रेशर ज्यादा है उसको इजिली हम एटमोस्फेरिक प्रेशर तक ज्यादा कम टेम्परेचर में पहुंचा सकेंगे, लेकिन जिसका क्या है, वेपर प्रेशर कम है, तो उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देके उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो हमें यहां से समझ में आ गया कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है इसका मोर हो जाएगा, समझ में आया, क्योंकि जिसका वेपर प्रेशर कम है उसको हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए। ये जो डिफरेंस आया हमारा बॉइलिंग पॉइंट का, कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है कम आया और जो प्योर सॉल्वेंट था जो, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ज्यादा आया, तो ये जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सो प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां से अगर आप डिफाइन करना चाहो इसको, Thank you.
बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट between boiling point of solution and pure solvent is said to be elevation in boiling point. तो समझ में आ गया कि हमारे पास elevation in boiling point actual में है क्या, कि हमने क्या किया, जैसे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, घट जाता है। वेपर प्रेशर घट गया तो हमें उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा जो है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डिफरेंस आएगा सॉल्वेंट के और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम इसका पढ़ेंगे क्या, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कि हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अब इसका हम पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट, कि क्वांटिटेटिवली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या हो कि हमने मान लिया कि हमारा जो सॉल्वेंट है बॉइल हो रहा है, लेट इफ सॉल्वेंट बॉइल्स एट टीबी बॉइलिंग पॉइंट, और जो नॉट हमने लगा दिया, प्योर सॉल्वेंट जो है हमारा बॉइल क्या है, बॉइल हो रहा है टीबी नॉट पे, और ऐसे ही हमारा सॉल्यूशन का क्या मान लिया हमने, बॉइल्स एट टीबी। ठीक है, तो एलिवेशन क्या आ जाएगा हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अभी हमने पढ़ा क्या था हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या था, डिफरेंस बिटवीन किसका ज्यादा था, सॉल्यूशन का, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया डेल्टा टीबी या फिर डेल्टा टी से कर दो। ठीक है, डेल्टा टी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टीबी माइनस टीबी नॉट आ गया। ठीक है, डेल्टा टी हमारा क्या आ गया, बी ही लगा लो, बॉइलिंग पॉइंट है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट आ गया। तो ये हमारा आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या है हमारा, जो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब की डेल्टा टीबी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। क्या है कि डेल्टा टीबी किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होता है, डेल्टा टीबी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, किसके, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो अब डेल्टा टीबी जो है हमारा क्या हो जाएगा, के बी एम हो जाएगा, और के भी हमारा यहाँ पे क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, के भी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा टीबी क्या हो गया, के बी एम, और के भी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो अब क्या है, हम डेल्टा टीबी यहाँ से हमारे पास है, तो कई बार क्या होता है, हमें यहाँ से भी इसको पुट करना पड़ता है डेल्टा टीबी की वैल्यू। अगर हमारे पास डेल्टा टीबी क्या है, के बी एम आ गया, तो एम मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी के लिए आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट पर के जी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमने इसको लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमारा जो वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, किस पे होता है, k
केजी में हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारा किस में हो जाता है, केजी में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, के बी। और ऐसे ही अगर हम एन टू को आगे लिखना चाहें तो एन टू को आगे हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू टू बाय एम टू लिख सकते हैं, मास बाय मोलिकुलर मास लिख सकते हैं। और बी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो है जो भी हमारा वेट दिया होगा, वेट हमारा मान लो ग्राम में दिया हुआ सॉल्वेंट का, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो वेट होगा किसमें होगा, ग्राम में ही होगा। अगर आपको पर केजी ही दिया होता है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 केजी लिख सकते हो, बट अगर आपको ग्राम में दिया है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करके उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो है डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, के बी डब्ल्यू टू एम टू इंटू 1000 W1। ठीक है, तो यहाँ से कई बार हमारे पास क्या निकालना आ जाता है, मोलर मास ऑफ सल्यूट या फिर मास ऑफ वेट ऑफ सल्यूट या फिर मास ऑफ सल्यूट। तो यहाँ से अगर हम एम टू निकाले तो हमारे पास एम टू क्या हो जाएगा, बस एम टू को इधर ले जाइए, डेल्टा टी भी यहाँ ले जाइए, के बी डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू वन। तो ये है हमारा मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मली कुछ नहीं था, क्या था, हमें अगर हमारा सॉल्वेंट बॉइल हो रहा है टीबी नॉट पे और सॉल्यूशन हमारा बॉइल हो रहा है टीबी पे, तो हमें पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। और हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा टीबी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। और मोलैलिटी हमें पता होनी चाहिए कि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आप इसको पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ही लिख लीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो डेल्टा टीबी के आगे केबी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिखते हैं, मास बाय गिवन मास लिख सकते हैं। और 1 केजी की जगह अगर हमें ग्राम में दिया हो तो हमने क्या लिख दिया, ग्राम W1 ग्राम में, हमारा जो मतलब कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा ग्राम में, और डिवाइडेड बाय 1000। और इस टाइप से हमारा क्या है, मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या किया हम लोगों ने कि हमने जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही हमारे पास क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम हो गया तो अब जिस हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर को एटमोस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाना है ताकि हमारा जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है क्या हो जाए, बॉइल हो जाए। सॉल्यूशन का हमारा क्या है, वेपर प्रेशर घट गया तो अब उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो यही जो डिफरेंस आएगा हमारा प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और हमने उसके बाद क्या किया, इसका नॉर्मली क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट। तो ये अब हमने फॉर्मूले यूज करने हैं जहां से हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अब करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखिए क्या है, 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 केजी ऑफ वॉटर इन ए सॉस पैन, एट वट टेम्परेचर विल वॉटर बॉइल्स एट 1.013 bar। के भी हमें दिया हुआ है, एलिवेशन बॉइलिंग कॉन्स्टेंट क्या दिया हुआ है वॉटर के लिए, 0.52। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, लिख लीजिए यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की हमारे पास क्या है, वेट ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, वेट, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, W2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है ग्लूकोज डिजोल्व हुआ है 1 केजी ऑफ वॉटर में, तो हमारा ये क्या है, वेट ऑफ सल्यूट है, वेट ऑफ ग्लूकोज W2 क्या है, 18 ग्राम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, इसी का मोलर मास हमारे पास क्या हो जाएगा ग्लूकोज का, M2। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 ना, तो हमारे पास मोलर मास हो जाता है इसका 180 ग्राम पर मोल हो जाता है, कितना हो जाता है, 180 ग्राम पर मोल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, W1 हमें कितना दिया हुआ है ऑफ वॉटर इज इक्वल टू 1 केजी। ठीक है, ये अब हमें दिया हुआ डायरेक्ट 1 केजी। तो क्या है, एट वट टेम्परेचर विल वॉटर बॉइल्स, अब हमने जब ये ग्लूकोज मिक्स कर दिया तो अब हमारा जो वॉटर का टेम्परेचर है तो क्या आएगा, तो हमें क्या निकालना है,
सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है और हमें क्या दिया हुआ है, केबी भी हमें दिया हुआ है। केबी क्या है हमारा 0.52 केजी पर मोल है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली निकाल सके। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये क्या है, हम यहाँ से m निकाल सकते हैं, केबी हमें दिया हुआ है, तो केबी m हमारा किसका फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीबी का। एलिवेशन जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि डेल्टा टीबी जो हमारा होगा क्या होगा, केबी m होगा। तो केबी हमारे पास क्या है 0.52 और m हमारे पास क्या होता है W2 by M2 और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होता है। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ, तो इसको आप डायरेक्ट लिख लो, 1 लिख लो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.52। डब्ल्यू टू क्या है हमारा 18 बाय 180, तो इसको सोल्व करो 10, तो हमारे 0.2 केल्विन हमारे पास इसका आ गया। अब 5.2 केल्विन क्या आया हमारा, डेल्टा टीबी आ गया, बट हमारे पास तो डेल्टा टीबी ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं है। तो सॉल्वेंट देखिए हमारे पास क्या है, वॉटर, और हमें पता है वॉटर जो है हमारा किससे बॉइल होता है, वॉटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा टीबी नोट जो वॉटर का होगा क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको केल्विन में करना चाहें तो क्या हो जाएगा 273 + 100 क्या हो गया 373 केल्विन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो टीबी नॉट हमारा क्या आ गया 373 केल्विन, और हमें पता है क्या होता है डेल्टा टीबी जो होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर लेते हैं, डेल्टा टीबी जो हमारा क्या होता है TB - TB0 होता है हमारे पास। हमें क्या चाहिए, टीबी चाहिए, तो टीबी हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा टीबी माइनस प्लस टीबी नॉट आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी हमारे पास कितना है 5.2 केल्विन, क्या है 5.2 केल्विन, और ये क्या हो गया 373 केल्विन। तो हमारे पास ये क्या आ गया, टोटल कर लो इसको 378.2 केल्विन आ गया हमारा टीबी। तो हमारा ये क्या है, जब हमने ग्लूकोज मिक्स किया वॉटर में तो हमारा सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना आएगा 378.2 केल्विन आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने कि हमारे पास यहाँ क्या था, केल्विन पर केजी मोल था, तो हमने इसको क्या रहने दिया, केजी में ही रहने दिया, ताकि हमारी केजी से केजी यूनिट कट जाए। लेकिन अगर हमारे पास वहाँ पे केल्विन ग्राम पर मोल होता तो हमें इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता, डिवाइडेड बाय हमें 1000 करना पड़ता, 1000 ग्राम करना पड़ता, ताकि हमारा ग्राम से ग्राम कट जाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए नॉर्मल, हमें सिर्फ केल्विन में आंसर चाहिए, तो हमारा जो किलोग्राम मोल है सब यूनिट इसकी कटनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज इसकी ध्यान रखने वाली है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, क्या था, हमें वेट दिया हुआ था, मोलर मास हमने निकाला, वेट हमारे वॉटर का वेट है हमारे पास 1 kg है, टीबी हमें दिया हुआ, टीबी नॉट हमें निकालना था, टीबी नॉट हमें खुद से देखना था कि हमारे पास वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो डेल्टा टीबी हमने केबी एम से निकाला और उसके बाद हमने डायरेक्ट क्या किया, टीबी जो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो फाइंड आउट कर लिया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.512 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, मोलर मास 128.2 ग्राम पर मोल इन 50 ग्राम ऑफ CCl4 यील्ड्स ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.402 केल्विन। व्हाइल ए सॉल्यूशन ऑफ 0.6216 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट इन द सेम मास ऑफ सॉल्वेंट गिव्स ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.647 केल्विन, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूट लिया हमने नेफ्थलीन और उसको हमने डाला CCl4 सॉल्वेंट में, ठीक है। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया हुआ है, उसके बाद क्या किया हुआ है कि उसी सॉल्वेंट के अंदर, उसी मास ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या किया, दूसरा कोई सॉल्यूट अननोन सॉल्यूट डाल दिया। अननोन सॉल्यूट डालने के बाद हमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या दिया, 0.647। तो हमें क्या निकालना है, वो अननोन सॉल्यूट निकालना है कि उसका मोलर मास क्या होगा। तो देखिए अगर हमारे पास सॉल्वेंट वही है तो जो हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा सॉल्वेंट के लिए वो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम फर्स्ट से केबी की वैल्यू निकाल ले तो हमारे पास वही वैल्यू क्या है, दूसरे
के लिए यूज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, सेम है। सॉल्वेंट सेम हो तो हमारा मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या है, सेम है। तो सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, क्या है हमारे पास, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.512 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन। की हमारे पास W2 दिया हुआ है, नेफ्थलीन का कितना 0.512 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास, उसका मोलर मास हमें कितना दिया हुआ, मतलब M2 हमें दिया हुआ है कितना, 128.2 ग्राम पर मोल दिया हुआ है इन 50 ग्राम ऑफ CCl4। मतलब W1 दिया हुआ है कितना, 50 ग्राम दिया हुआ है। देयर इज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो हमें क्या दिया हुआ, डेल्टा TBV दिया हुआ है कितना, 0.402 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, सब है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, KBm होता है। तो KB की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा TB बाय m करके हम निकाल सकते हैं। तो कर लीजिए यहाँ से, KB जो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा TB की वैल्यू क्या है, 0.402 आ गया हमारे पास। और m को हम क्या लिख सकते हैं, W2 बाय m2 इंटू W1 इंटू 1000 हम लिख सकते हैं। तब इसको कर लीजिए सॉल्व, 0.402, W2 हमारे पास क्या है, 0.512, 1000 इसको ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, M2 क्या है हमारे पास, 128.2, और बाकी क्या बचा, W1 क्या है हमारा, 50 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमारी जो KB की वैल्यू है, सॉल्व करके देख लीजिए क्या आ जाएगी, KB की वैल्यू हमारी कहाँ गई, हाँ, 5.03 केल्विन KB पर मोल आ गई। ठीक है, आ गई हमारी KB की वैल्यू 5.03 केल्विन KG पर मोल आ गई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गई KB की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है, जहाँ तक हमने निकाले KB, अब हमारे पास KB आ गया, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अननोन सॉल्यूट दिया हुआ है, उसका हमें वेट दिया हुआ है। तो वेट दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है, एलिवेशन डेल्टा TB भी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, M2 निकालना है। तो कर लीजिए इसको सॉल्व, अब क्या करते हैं हम लोग, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, W2 जो हमारा दिया हुआ है अननोन सॉल्वेंट के लिए, जो हमने अब माना कितना दिया हुआ है, 0.6216 ग्राम दिया हुआ है। द सेम मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सेम है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना था, 50 ग्राम। तो हमारे पास W1 क्या है, वही 50 ग्राम है। ठीक है, W1 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या, डेल्टा TB दिया हुआ है इसके लिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सेकेंड सॉल्वेंट के लिए 0.647 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBm। तो ये तो हमारे पास यहाँ KB भी नीचे है, KB की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, तो कर लीजिए इसको सॉल्व, डेल्टा TB, KB हमारे पास क्या है, 5.03, m को हम क्या लिख सकते हैं, W2 बाय m1 0.616, m2 हमारे पास क्या निकाला था, नेफ्थलीन का क्या, सॉरी नेफ्थलीन का, m2 तो हमें निकालना है, नेफ्थलीन नहीं है, अननोन सॉल्वेंट है m2, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, W1 कितना है, 50, ये क्या है, 1000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, m2 ही निकालना है, मास ऑफ हमारा जो मोलर मास है क्या है, अब डेल्टा TB नीचे ले आइए, 5.03 इंटू 0.6216 इंटू 1000, डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या लिख लीजिए, 0.647 मल्टीप्लाई 50। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास M2 की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, 96.68 ग्राम पर मोल आ गई। क्या आ गई, 96.68 ग्राम पर मोल आ गई। क्या किया हमने, पहले हमारे पास एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ था, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ था, हमें क्या निकालना था,
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। उस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हमने सेकंड सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए यूज किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो इस टाइप से अगर दो सॉल्यूशन दिए हो ना, तो पहले का क्या निकालो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम दूसरे का जो भी वेट या मास निकालने के लिए पूछा हुआ है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी तक हम दो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, और नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा जो वेपर प्रेशर है इक्वल हो जाए लिक्विड फोम का सॉलिड फोम के वेपर प्रेशर के। क्या कि हमारे पास ऐसा कोई भी टेम्परेचर जिसपे हमारा जो वेपर प्रेशर लिक्विड का है वो इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फोम, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको डिफाइन करना चाहे तो क्या बोलेंगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम, या फिर इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं, इक्वल भी बोल सकते हैं, इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड फॉर्म वेपर प्रेशर। टेम्परेचर हमारे क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अब क्या है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो अकॉर्डिंग टू रॉक्स लॉ हमारे पास क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर हमारे पास कम हो गया तो वही चीज है कि वेपर प्रेशर कम हो गया तो वो सॉलिड फॉर्म इतना कम हो जाएगा धीरे धीरे कि वो सॉलिड फॉर्म के साथ हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया तो वो ज्यादा सॉल्यूट डालते जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म का जो वेपर प्रेशर था वो सॉलिड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में इजिली आ जाएगा कम टेम्परेचर देने पर भी, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, कि हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट का था फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, ज्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो हमारे पास कम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है क्या है, मतलब कि हमारा जो लिक्विड फॉर्म का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो हमारा ये जो सॉल्यूशन का कम हो गया और सॉल्वेंट का ज्यादा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द डिफरेंस डाला तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम हो गया, अब वो ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते जाएंगे तो हमारा जो वेपर प्रेशर है लिक्विड फॉर्म का वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल पहुंच जाएगा। तो हमारे पास कम टेम्परेचर में ही ये सॉल्यूशन का काम हो जाएगा, लेकिन हमें क्या है, अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसको हमें इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वेपर प्रेशर को लिक्विड को सॉलिड फॉर्म के हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन का जो वो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है किसका,
सॉल्वेंट के। ठीक है, यहाँ से हमें समझ में आ गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हम इसका क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट क्या है। तो लिखिए इसका क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट। तो हम लोगों ने क्या किया, वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं कि हमने क्या ले लिया, अब टी बी की जगह क्या ले लेंगे, टी एफ ले लेंगे, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट में हमने क्या करेंगे अब इसका कि लेट कर लिया हमने क्या, टीएफ हमारा क्या है, टीएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और टीएफ नॉट हमारा क्या है, इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डिप्रेशन मतलब कि हमारा डेल्टा टीएफ जो हो जाएगा ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अब डेल्टा टीएफ जो हमारा क्या हो जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, सॉल्वेंट का जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस में सॉल्यूशन का जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टीएफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया डेल्टा टीएफ। अब हमारे पास क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वही हमारा जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैलिटी के, कि हमारा डेल्टा टीएफ जो है किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, हम इसको डाइल्यूट ही कंसिडर करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टीएफ जो है क्या है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो अब डेल्टा टीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, के एफ एम, और के एफ हमारा क्या है, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। ये क्या है, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। तो मैं ज्यादा इसलिए नहीं रिपीट करी क्योंकि हमारे पास सेम प्रोसीजर है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, क्या है के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट हो गया। अब वही चीज करनी है हमें इसके लिए, डेल्टा टीएफ के एफ और एम को हम क्या लिख सकते हैं, वही डब्ल्यू टू बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन बाय थाउजेंड लिखिए। ये हमारे पास क्या आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। तो यहाँ से और हम क्या निकाल सकते हैं, वही एम टू निकाल सकते हैं, एम टू क्या निकाल के क्या करेंगे, एफ के एफ इंटू डब्ल्यू टू बाय डेल्टा टी एफ इंटू थाउजेंड बाय मल्टीप्लाई डब्ल्यू वन। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, बस क्या हो जाएगा, बी की जगह हमारे पास एफ आ गया, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट या क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ से हमें इसके अब न्यूमेरिकल करने हैं कि हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं। तो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट इफ के एफ ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और सेकंड क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए दिया क्या हुआ है हमें, गिवन क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट दिया हुआ है, मतलब हमें W2 दिया हुआ है, W2 ऑफ C2H6O2 का कितना, 45 ग्राम दिया हुआ है। W1 दिया हुआ है हमें किसका, वॉटर का, कितना है, 600 ग्राम है। कैलकुलेट इफ केएफ दिया हुआ है वॉटर का 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ निकालने से पहले अगर हम एम निकाल लें डायरेक्टली तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इजी हो जाएगा। एम हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू टू बाय एम टू इंटू थाउजेंड बाय में डब्ल्यू वन हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए इसको, डब्ल्यू टू हमारे पास क्या है, 45, और हमारा
M2 है, M2 क्या हो जाएगा C2H6O12 का, 16 × 32 और 24 हमारे पास हो जाएगा 24 × 6 = 30, तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62 × 1000 और W1 कितना दिया हुआ है 600 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको कट कर लीजिए। सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा 1.2 mole per kg, क्या है 1.2 mole per kg आ गया, हमारे पास M आ गया 1.2 mole per kg आ गया, ठीक है। तो अब हम डेल्टा टी एफ डायरेक्टली निकाल सकते हैं KFM से। KF की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.86, M क्या आ गया 1.2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2.2 केल्विन आ जाएगा। ये क्या है मोल पर केजी और ये क्या है किलोग्राम पर मोल, तो किलोग्राम पर मोल तो हमारे कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा सिर्फ केल्विन। तो डेल्टा टीएफ हमारे पास क्या आ गया, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया 2.2 केल्विन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाता है, डेल्टा टीएफ जो था क्या था हमारा सोल्यूशन का कम था टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब हमारे पास जो एफ है, हमारे पास एफ नॉट है मतलब कि वॉटर है, वॉटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वॉटर का हमें पहले ही पता होना चाहिए क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। तो यहाँ से हमें टी एफ जो निकालना है, टी एफ को इधर लिया है जी, और इसको क्या लिखिए टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, टी एफ नॉट वॉटर का हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 273, और हमारे पास ये कितना आ गया 2.2 आ गया, तो हमारे पास सोल्यूशन का जो आ जाएगा इसको माइनस कर लीजिए 270.8 केल्विन आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया 270.8 केल्विन हमारा क्या आ गया टी एफ सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो ये हमारा किसका था सॉल्वेंट का था, मतलब वॉटर का क्या था 273 केल्विन, और हमारा ये क्या है डिप्रेशन कितना हुआ इतना, तो हमारे पास क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का 270.8 केल्विन। तो ये था हमारा एक फ्रीजिंग पॉइंट का सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया इसमें, सबसे पहले हमने क्या निकाला डेल्टा टीएफ निकाला, डेल्टा टीएफ निकालने के बाद इजिली हमने टीएफ जो है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। तो देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल, फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब हमें W2 दिया हुआ है कितना 1 ग्राम, और क्या दिया हुआ है हमें 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, W1 दिया हुआ है 50 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मतलब कि हमारा जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है कितना, डेल्टा टी एफ जो है हमारा दिया हुआ है कितना 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन, हमारा जो डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है मतलब कि के एफ जो है कितना दिया हुआ है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, मास मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, ठीक है। तो सब कुछ गिवन है हमें, हमें डायरेक्ट क्या निकालना है M2 की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है डेल्टा टी एफ जो है हमारा क्या है के एफ इंटू डब्ल्यू टू बाय एम टू इंटू 1000 बाय W1 था हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा टी एफ क्यों हम डायरेक्ट M2 ही निकालते हैं, M2 हमारे पास क्या आ गया के एफ इंटू W2 इंटू 1000 क्या आ जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू W1 आ जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, क्या है के एफ की वैल्यू क्या है 5.12, W2 क्या है हमारे पास 1 ग्राम 1000, डेल्टा टी एफ क्या है हमारे पास 0.40
0.40। W1 क्या है 50 ग्राम। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल आ जाएगा। M2 जो है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल आ जाएगा। यही हमें निकालना था तो हमारे क्या आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकता है। तो ये थे हमारे फ्रीजिंग पॉइंट के कुछ क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे हमारी फोर्थ और लास्ट जो है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर।